यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। पनामा पेपर्स का भूत एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दो साल पहले यानी 2016 में पनामा की लो फर्म मोसाक फोनेस्का के कुछ पेपर्स जो के लीक हुए, बात सामने आई थी और भारत समेत दुनिया के कई बड़े प्रमुख जो लोग हैं उनके नाम सामने आए थे। कारोबारियों ने टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में काला धन छुपाया था और अब फिर से इस फर्म के कुछ दस्तावेज वो हैं जो कि सामने आए हैं और कई नाम हैं जो कि सामने आ गए हैं। पुराने कारोबारियों पर टैक्स चोरी के आरोप पुख्ता हुए। अप्रैल 2016 में पनामा पेपर्स के छपने के 3 हफ्ते पहले पनामा की जो लो फर्म है उसकी ओर से जो ईमेल किए गए थे, कुछ भारतीयों के नाम उसमें सामने आए और एक प्रतिष्ठित अखबार के मुताबिक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने यानी जो खोजी पत्रकार हैं उनकी ओर से ये पड़ताल की गई थी। नाम कई सामने आए थे। 12 लाख से भी ज़्यादा दस्तावेजों की जाँच की गई थी और कुल दस्तावेजों में से अगर भारत के हिस्से की बात कर ली जाए तो 12,000 नए दस्तावेज भारतीयों से जुड़े हैं जो नए हैं। तो दो साल पहले सामने आए जो दस्तावेज थे उनमें से 500 भारतीयों के नाम थे और नए लीक में पनामा जो पेपर्स हैं उनमें कई दिग्गज भारतीय कारोबारियों के नाम सामने आए हैं। इनमें अगर सभी नामों की बात कर ली जाए, PVR सिनेमा के मालिक का नाम सामने आया है, उनके परिवार के सदस्य हैं कुछ जिनका नाम इसमें शामिल है और हाइक मैसेंजर के CEO जो हैं उनका नाम सामने आया है। टेलीकॉम के दिग्गज भी इन्हें माना जाता है। सुनील मित्तल के बेटे क्वीन मित्तल का नाम इसमें सामने आया है। एशियन पेंट्स के CEO का नाम भी इसमें शामिल है। तो कई नाम हैं एक बार फिर से जो सामने आए हैं और खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया है जो लिस्ट में शामिल 426 भारतीयों के बारे में जांच पड़ताल कर रहा है। जांच के आधार पर करीब 1,000 करोड़ के काले धन का पता लगाया गया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि किन किन के नाम शामिल हैं। KP सिंह जो कि DLF समूह के प्रमुख हैं उनका नाम इसमें सामने आया है। अनुराग केजरीवाल लोकसत्ता पार्टी के पूर्व नेता हैं, इनका नाम भी, और नवीन मेहरा का नाम भी इसमें शामिल है। तो कई बड़े कारोबारियों के नाम शामिल हैं इसमें और हाजरा इकबाल मेमन का नाम भी सामने आया है। अजय बिजली जो कि PVR सिनेमा के मालिक हैं, प्रमुख हैं, उनका भी नाम सामने आया है। उनके परिवार के सदस्य भी हैं कई जिनका नाम इसमें शामिल है और क्वीन मित्तल हैं जिनका नाम सामने आया है और जलज दानी एशियन पेंट्स के CEO हैं, इनका नाम भी इसमें शामिल बताया गया है। शिव विक्रम खेमका, इनका नाम भी सामने आया है, और अमिताभ बच्चन फिल्म अभिनेता, उनका नाम भी इसमें शामिल है। जहांगीर सोराबजी, ये भी वो नाम है जो कि शामिल है। KP सिंह, एक बार फिर से आपको वही नाम हम दिखा रखे हैं जो कि सामने आए हैं पनामा पेपर लीक मामले में। और एक बार फिर से सवाल ये उठे हैं कि सरकार क्या कर रही है और कानून क्या है, क्या हो सकता है पनामा पेपर लीक मामले में भारत में। तो एक बार फिर से भारतीयों के नाम सामने आए हैं। भारत सरकार क्या कर रही है और सरकार क्या कर सकती है उसको लेकर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ है, बीजेपी से हमारे साथ नीलम चौधरी जी हैं, स्वागत है आपका। इनेलो प्रवक्ता रविंद्र ढोल साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में, साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ रंजिता मेहता जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद प्राशर जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और कर्नल दिनेश नैन जी हमारे साथ हैं, आप सदस्य हैं टीम अन्ना के, बहुत स्वागत है सभी का इस चर्चा में। नीलम जी, सरकार क्या कर सकती है और सरकार ने क्या किया पहले भी जब नाम सामने आए? जी देखिए, ये जो ब्लैक मनी का प्रोसेस है ना, इंडिया में बहुत पुरानी हिस्ट्री है और इसको देखा जाए तो ये
जो है 1951 से ही इंडिया का जो पैसा है वो बाहर जाना शुरू होता रहा और रेगुलरली इसकी रिपोर्ट्स आती रही हैं, तो हमेशा ये पैसा बाहर जाता रहे। तो इसका रीज़न यह है कि जो ब्लैक मनी जो हमारी मार्केट में जनरेट होती रहती है ना, ये एक पुराना जो करप्शन का एक सबका मिला जुला सा फंक्शन होता था उसकी वजह से। अब ब्लैक मनी हम जानते हैं कितने ही तरीकों से लोग कमाते हैं और फिर उसको कहीं ना कहीं से उसको फिट भी करना होता है, और यही एक वजह है कि जो पिछली सरकार है वो तो इसके लिए फेमस थी, और करप्शन पे करप्शन, स्कैम पे स्कैम, और उसकी जो पूरी ये हालत उनकी जो खराब हुई वो इसी की वजह से थी। तो ये जो ब्लैक मनी बाहर जाती है दूसरे हवाला के रास्ते से या किसी और के रास्ते से, तो ये एक सिस्टम बना हुआ है बाहर के कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे कि फोर्ज कंपनीज में वो पैसा डिपॉजिट हो जाता है और उसका नाम नहीं पता चलता और घूम फिर के वो पैसा इंडिया में आ जाता है और एक वाइट मनी बन जाती है। तो ये जो एक सिस्टम बना हुआ था इंडिया में उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो ये कि जो पिछले भी स्कैम हुए थे 2013 में 2015 में जो आप बात करें जो लेटेस्ट से ये तब पेपर्स आए थे, तो जब ये 2015 में जब आए थे तब एक SIT कमीशन भी बिठाई गई थी और उस वक्त एक 90 डेज का टाइम पीरियड दिया गया था कि जिसका भी जितना भी पैसा है बाहर सबका सब डिस्क्लोज कर दो, अदरवाइज आपके पास पेनल्टी भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है। और उसमें से प्लीज उसमें से उस वक्त भी जो 637 लोग थे उन्होंने अपनी जो भी असर थे वो डिक्लेयर भी किए थे। चलिए एक और मेहमान हैं हमारे साथ, पूर्व लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह भी हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी चर्चा में। रंजिता जी, अभी नीलम जी की ओर से कहा गया कि पिछली सरकारों में ये होता रहा, लेकिन सवाल यही उठता है कि जो चुनावी वादे भी किए गए थे कालेधन को लेकर और नाम एक बार फिर से सामने आ गए, इसमें सरकार क्या कर रही है? देखिए ज्योति, कहीं ना कहीं जो भाजपा के प्रवक्ता है आकर ये ज्ञान बांटना ज्यादा जरूरी समझते हैं कि ब्लैक मनी होता क्या है। मेरे ख्याल से इसकी डेफिनेशन हर गूगल जितना पैसा गया है बाहर अभी तक वो भी बता। नीलम चौधरी जी, सुनने का मायदा रखिए जी, ज्योति आप देखिए कि बार बार आप उसकी डेफिनेशन डिक्लेयर करेंगे, 2013 में ये हुआ था, 1999 में ये हुआ था, आज बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की जो ये कहते थे कि 100 दिन के अंदर ये काला धन में वापस लेके आऊंगा, आज बात हो रही है उस पर। नीलम चौधरी जी जब आप बोलेंगे मोदी जी जो वादा करके इसमें आए थे, कभी यहाँ पे चलते हैं कभी यहाँ पे पैराडाइज पेपर्स के बारे में खुलासा होता है, ये पिक्चरें बार बार तो दिखाई जाती हैं, पर मुझे क्या मोदी जी इस बात का जवाब देंगे कि जब 2016 के अंदर 500 लोगों का नाम पनामा पेपर्स में आया था और काफी नाम सार्वजनिक भी हो गए थे, तो क्या आज तक किसी भी तो बताया मैंने आपको, अरे नीलम चौधरी सुनने का मजा नहीं लगता क्या आपको? बीमारी है बीच में बोलने की? कुछ पढ़ के आते ना, पढ़ के आई हूं ना मैं, आप आज सुनी तो सही, आपके जो नेताओं के नाम थे आज तक सार्वजनिक नहीं थे। नहीं नीलम जी, जब ये बोल रही थी, जब ये बोल रही थी कि मैं बीच में बोल रही थी, इनकी जो भाजपा के नेता हैं जयंत सिन्हा का नाम आया, इनके भाजपा के नेता आरके सिन्हा जी का नाम आया, इनके भाजपा नेता अनुराग केजरीवाल का नाम आया, जितने भी नेता इनके शामिल थे, क्या मोदी जी ने आज तक एक भी किसी के खिलाफ FIR दर्ज की, क्या किसी के खिलाफ SIT बनाई? आप बार बार खुलासे तो करते हैं, आज 712 नाम आ गए, आज 500 नाम आ गए, आज तक टोटल अगर लिस्ट हम जारी करें HSBC के थ्रू 1195 नाम, लिप्टन स्कीम बैंक के थ्रू 23 नाम, पेनामा पेपर्स के थ्रू 500 नाम और पैराडाइज पेपर के थ्रू 712 नाम, टोटल 2432 ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा आज तक ना तो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसके सामने सार्वजनिक किया गया, ना इसको सार्वजनिक पटल के ऊपर सार्वजनिक किया गया, ना ईडी ने कभी इन लोगों के ऊपर रेड की, किसको छुपा रहे हैं? क्या ये जो इन्होंने ब्लैक मनी की स्कीम को बंद करने का काम किया था, ये कह रहे थे हम नोटबंदी के जरिए कर रहे हैं, क्या उसका ध्यान लोगों के ध्यान से भटकाने के लिए किया जा रहा था कि लोग नोटबंदी में उलझ जाए और जो लोग स्कैम में शामिल है उसके बारे में ना तो चर्चा की जाए और ना उसके बारे में कोई पूछे? आज मोदी जी इस बात का जवाब दे, जो इनके राज्य मंत्री हैं, जो इनके राज्यसभा के मंत्री हैं, जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं, वो सभी जो है इलेक्शन कंट्रोलर के सामने कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं करते, तो आज तक कौन सा इन्होंने एक्शन ले लिया? अरे मुंह में राम राम बगल में छुरी, आप खुद इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर बार-बार नाम आते हैं तो आप उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की, ये बताइए आज मोदी जी ने किसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है? नीलम चौधरी जी इस बात का जवाब दीजिए, कोई एक भी नाम बता दीजिए जिसके खिलाफ कार्रवाई की हो, सिर्फ नाम लेने से, सिर्फ बार बार पटल पे रखने से क्या चीजें सुलझ जाए?
जाएंगी, क्या काला धन वापस आ जाएगा? बार बार ये कहना कि वहां भी इतने नाम पकड़े गए, वहां भी इतना पकड़े गए, आप लोगों के सामने नाम क्यों नहीं लाते? अगर अमिताभ बच्चन का नाम आया, अगर ऐश्वर्या राय का नाम आया, सरकार का रवैया कैसा लगता है इस मामले में? सरकार ने अभी तक पनामा पेपर लीक के अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। हम हमारे साथ वाले राष्ट्र पाकिस्तान से सीख सकते हैं किस प्रकार नवाज शरीफ को बैन किया गया। प्लीज डोंट इंटरप्ट मैडम, इसी क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन पे मैडम जी आपकी बहुत जल्द आ जाते हैं, प्लीज इंटरप्ट कर लीजिए। देखिए जब ये पनामा पेपर्स में नाम आए थे ना, तो बहुत सारे थे, पुतिन का था, नवाज शरीफ का था, इंडिया में भी थे, और इवन जो आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन भी कर दिया था, उस वक्त सबसे पहले एक्शन इंडिया में शुरू हुआ था। और उस वक्त पाकिस्तान में न्यूज चलाई जा रही थी कि देखो इंडिया ने एक्शन ले लिया और नवाज शरीफ के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ। नवाज शरीफ के अगेंस्ट जाके हुआ था 1 नवंबर 2016 को। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि यदि एक्शन लिया था तो आज तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, इनके बताइए अमिताभ बच्चन का नाम कितने लंबे समय से चल रहा है, क्या किया है, क्या किया है उनके खिलाफ, कौन सा एक्शन लिया? अरे अभी तो सोचेंगे कि सिविल पेनल्टी लगा देंगी या उनके ऊपर जुर्माना लगा देंगे, प्लीज भारत के कानून के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर बिल्कुल सख्त से सख्त सजा है उसके अंदर बीच में उपलब्ध हमारे कानून में। और यदि आप सजा नहीं देते हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि उन लोगों को वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम के द्वारा जो है बाहर निकाल लेंगे और उनको सिविल पेनल्टी लगा करके 30-40% उनके काले धन को सफेद कर देंगे, तो कृपया करके आप इस राष्ट्र के साथ में झूठ बोल रही है। आपके पास में कोई अधिकार नहीं। आपने ये कहा था कि हम पैसा लेकर के आएंगे और इन बड़ी मछलियों को फंसा करके उससे जो पैसा रिकवर होगा भारत की जनता के डेवलपमेंट के अंदर। मुझे ये बता दें हिंदुस्तान के अंदर एक पैसा भी यदि विदेशी मनी का ये लेकर के आए हो, इन्होंने तो स्विस बैंक के ऊपर इतना बड़ा झूठ बोला ज्योति जिसका कोई हिसाब नहीं। आप बताइए जो इन्होंने एक पिछले साल एक बहुत बड़ी एक न्यूज चलाई थी कि स्विस बैंक के अंदर के साथ में स्विट्जरलैंड के साथ में भारत की एक ट्रीटी हुई है जिसके अनुसार ये स्विट्जरलैंड से पैसे जो है डिस्क्लोजर करेंगे स्विट्जरलैंड के। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि वो डिस्क्लोजर 2 साल के बाद प्रारंभ होगा। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं 2 साल तक, अगले 2 साल तक करेंगे? ये चाहते हैं कि इलेक्शन ईयर होने के बाद, इलेक्शन खत्म होने के बाद स्विट्जरलैंड डिस्क्लोजर करे। इससे बड़ी झूठ कोई नहीं बोल सकती। आएंगे नैन साहब आपके पास, जवाब लेंगे आपसे पहला। इससे पहले प्रीतम पाल सिंह जी, आपको क्या लगता है पनामा पेपर लीक मामले में एक बार फिर से भारतीयों के नाम सामने आए हैं, सरकार को किस तरह से इस मामले में दखल देकर खुद से जांच करवानी चाहिए या फिर सरकार करवा रखी है पहले से? देखिए मैडम, मैं इसमें बड़ा कोई, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है जी। हम और हमारी सरकार कोई गंभीर नहीं है, इसलिए बड़ा इसमें बड़ी गंभीरता की जरूरत थी इस काले धन को वापस लाने में, वो गंभीरता नहीं दिखाई गई कि 4 साल इस सरकार को भी हो गए हैं, पीछे कांग्रेस की सरकार भी थी, और कोई ऐसा कंक्रीट कोई मतलब इफेक्टिव स्टेप्स आज तक नहीं लिए गए कि जिससे काला धन वापस आए। ये जो पनामा का जो डिस्क्लोज किया है पेपर्स ने, इसमें भी 1,000 करोड़ से ऊपर का घपला, ये जो टैक्स हेवन में जो पैसे जमा है कुछ फर्म्स के, कंपनीज के, इंडियन जो 500 लोगों के नाम इसमें आए हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ इसमें कोई कंक्रीट या कोई इफेक्टिव स्टेप्स लिए गए हैं या लिए जाएंगे। मैं इस बारे में मैं डिफर करता हूं आप सब लोगों से। मेरा मानना यह है, कि जब तक हम एक ऐसा कानून नहीं बनाए कि जिससे देश के जो टैक्स इवेडर हैं, जो टैक्स की चोरी करने वाले हैं, जिनका ब्लैक मनी बाहर विदेशों में है जी।
उनको ये ना लगे कि अगर हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अगर हम ये सारे तो हमारे जीवन जो है वो एक तहस नहस हो जाएगा। ऐसी एक डेटरेंट लॉ बनाने की आवश्यकता है। पार्लियामेंट को 4 साल इस नई सरकार में हो गए हैं, आज तक कोई ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता थी जो मैं समझता हूँ कि मैंने एक बात पहले भी मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि हम सारी पार्टियां पॉलिटिकल पार्टियां इस पॉलिटिक्स को छोड़कर राजनीति ना करें। इस एक बड़ा गंभीर मसला है। 400 लाख करोड़ रुपए की बात इलेक्शन डील में कही गई थी कि 400 लाख करोड़ रुपया भारतवासियों का विदेशों में ब्लैक मनी के रूप में पड़ा है, उसको कैसे वापस लाना है, उसके लिए कोई गंभीरता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिखाई। गंभीरता नहीं दिखाई सरकार में। समझ आएंगे आपके पास एक बार फिर से। आप लोगों के तो वादे भी बहुत बड़े थे काले धन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, विदेशों में जो ब्लैक मनी है उसको लेकर सरकार ने काम कितना किया। प्रीतम पाल जी को अभी आपने सुना, 4 साल आप लोगों को भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया गया बहुत ठोस जो कि नजर आए। जी आगे जी, हमारी जो सरकार आई थी उसका जो मेन मुद्दा था वो एंटी करप्शन था कि हम करप्शन को खत्म करेंगे। और करप्शन खत्म कहाँ से होता है? टॉप लेवल से। टॉप लेवल से नीचे तक जो है वो करप्शन इम्बाइब होता है, नीचे तक आता है। तो हमारे टॉप लेवल पे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और जो दूसरी हम बात करप्शन की कर रहे हैं, और जो था ना उन्होंने ये भी कहा था कि खाने पीने नहीं होगा। इसमें हिम्मत चाहिए कि आप अपने किसी मिनिस्टर को भी ये काम नहीं करने देंगे। हमारी पुरानी सरकारों में खास बात यही थी कि ऊपर से नीचे तक सब के सब इन्वॉल्व थे। मिनिस्टर्स खुद स्कैम्स में इन्वॉल्व थे, उनके खुद के पैसे बाहर जाते थे और घूमने के वापस आते थे। कितने इनके हुड्डा ने क्या जी आपके मंत्री नहीं है, इतनी जमीन आप लोगों का चुनावी वादा था। पैसा कमाना विदेशों में काले धन को लेकर, सुनिए विदेशों में जो काला धन है उसको लेकर भी चर्चा कर लीजिए। वो मैंने आपको बताया ना, एक सीट में जिसमें 677 डिक्लेयर किया था, 3,770 करोड़ रुपया तो उस वक्त भी आ गया था। और जो बाकी लोगों की जो और भी है उनका जो नंबर भी अब कम हुआ है, जैसे कि पहले 2006 और 2013 के बीच के अगर आप लें तो जिन लोगों का पैसा बाहर स्विस अकाउंट में होता था उनका नंबर डबल हो गया था। और अब वो जो है अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि हर चीज ट्रांसपेरेंट है। आप सारा का सारा जो पैसा है उनका जो अच्छा उदाहरण है जो ये दिखाता है कि जो जर्नलिज्म कितना बड़ा स्तंभ है किसी भी डेमोक्रेसी या किसी भी देश के लिए। 107 एजेंसीज 80 देश से शामिल होकर के इन्होंने ये सब लोग जो अपने देश का पैसा चोरी कर रहे थे वो निकाल के सामने रखा जी। हमारे पास ये 2016 में रिपोर्ट आई, लेकिन उसके ऊपर जैसे कि अभी पैनलिस्ट दूसरे बता रहे हैं एसआईटी गठित हुई लेकिन उसका परिणाम क्या है? कुछ आशा करता हूँ कि आप मुझे बोलने देंगे क्योंकि हम मैं सिर्फ एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बीमारियां हैं, जितने भी लोग पावर में रहे आप याद करें तो 2014 से पहले कांग्रेस के कितने केसेस हुए। श्री रन्ना जी ने जब आंदोलन किया 2011 के अंदर एक आशा जगी, कुछ लोग और आए, हम लगा कि ये देश के लिए अच्छा करेंगे। 4 साल से उनको चित्री पत्री की, लेकिन 23 मार्च को रामलीला मैदान में फिर बैठना पड़ गया। अभी वापस आश्वासन 6 महीने का मिला है। आशा करते हैं कि देश हित और देशभक्ति की भावना से काम होगा तो देश के लिए अच्छा होगा। परंतु ज्योति जी बीमारी है, इस बीमारी का डॉक्टर कौन है? उस डॉक्टर को तो इलाज लेके आना ही नहीं चाह रहे। हम बार बार इनको कह रहे हैं भाई, अभी आपने प्रीतम पाल जी हमारे ऑनरेबल प्रीतम पाल जी बैठे हैं हमारे जस्टिस थे पंजाब के, आप इनसे पूछिएगा ये लोकपाल रहे हरियाणा। ये मैं एक मैं इस गवर्नमेंट को एक इस गवर्नमेंट को एक सजेशन देना चाहता हूँ। जो एक लॉ बनाने की जरूरत है, एक लॉ ऐसा बनाने की जरूरत है कि ऐसा लॉ बनाने की आवश्यकता है। ये सारी बातें जो आपने डिस्कस की हैं ये
इधर की उधर, मैं समझता हूँ कि सारी पॉलिटिक्स है ये जो मैं व्हाट आई वांट टू सजेस्ट कि उसका इतना इफेक्टिव रिजल्ट होगा अगर ये सरकार मेरी बात को माने। मैंने इस ऊपर बड़ी स्टडी की है, इसके ऊपर 30 ईयर्स एक्सपीरियंस है मेरा जुडिशरी का इस बारे में। एक मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार इमीडिएटली एक ऐसा कानून बनाए कि जिसमें एक महीने का टाइम दे, जो जितने भी ये ब्लैक मार्केटर हैं, जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग के जितने केसेस हैं, कि उनको एक महीने का टाइम दे कि एक महीने के अंदर, क्योंकि हैं तो सारे इंडियंस भारतवासी हैं, इनकी यहाँ भी प्रॉपर्टी हैं, इनके घर भी हैं यहाँ पर, इनके रिश्तेदार भी हैं यहाँ पर, एक महीने का टाइम सरकार दे कि एक महीने में डिस्क्लोज करें, और अगर नहीं करते तो ऐसा कानून हो कि इनको हम समरली इनकी ट्रायल होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और जिसकी प्रॉपर्टी का कहीं भी कोई लिंक या कोई पता लगेगा लेटर ऑन, और वो चीज़ जो इन्होंने डिस्क्लोज की है अगर उसमें कुछ छुपाया गया है तो उसकी ट्रायल करें, और उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्रिमिनल साइड पे सजा हो, और वो सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो टू दी गवर्नमेंट। ये अगर ऑप्शन इनको दी जाए, ये ब्लैक मार्केट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काले धन वाले ऐसे कानून है ये सरकार, हम आपको फिर कह रहे हैं कि इसके अंदर जरूरत है, हमारी ये सरकार है कि हमारा जो विदेशों में आज प्रधानमंत्री ने कहा इतना प्रभाव है, तो वो ट्रीटी करके उनसे सारा डिस्क्लोज कराए। ठीक है सर, अभी आ रहे हैं आपके पास, अभी आ रहे हैं आपका सुझाव, हमने सुना, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, जल्दी बोलिए। देखिए, बीमारी का जो इलाज है वो है जन लोकपाल और लोकायुक्त, तुरंत जो गवर्नमेंट के हाथ में है। हमने 6 महीने का टाइम दिया है अक्टूबर तक का, ये दोनों पक्ष पार्टी यहाँ बैठी है, इनसे पूछिए ऐसा क्या है उसमें, ऐसा क्या है जन लोकपाल में, क्या लोकायुक्त में, जो कोई पार्टी बोलना नहीं चाहती, तुरंत लेके आ। ठीक है, लोकपाल पर भी चर्चा करेंगे, तो लेके आ रहे हैं लोकपाल पर भी चर्चा करेंगे, तो इसका इलाज वहां से शुरू होगा, वरना तो कोई कानून नहीं बनेगा। हम डिबेट करेंगे आज से 6 महीने बाद, मैं फिर याद दिलाऊंगा यही बात। प्राशर जी, कानून क्या कहता है? इसमें तीन चीजों में कंफ्यूजन मेरे सभी साथियों ने सामने आया है बातचीत में। जो पनामा लीक है वो एक इंटरनेशनल लेवल में जो पैसा भेजा गया है उसके संबंधित है। करप्शन एक्ट इंडिया में डोमेस्टिक इंडियन लेवल पे उसका है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का कम्बिनेशन हमारा देश अब तक नहीं बना पाया है 70 साल के आज़ादी के बाद। हमारे कानून जो देश में लागू होते हैं उनको बाहर मनी लॉन्ड्रिंग के कानूनों के साथ उनका कम्बिनेशन सही से नहीं बन पा रहा है। इसमें सभी सरकारों का जो आज तक इंडिया में रही हैं सबको मैं दोष देता हूँ इस बारे में। और अभी जो पिछले कुछ सालों में, चाहे पहले 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, ये मानना पड़ेगा कि बड़ा इस बारे में इफेक्टिव तरीके से काम किया गया है। मैं मानता हूँ उतना नहीं हुआ है लेकिन बहुत अच्छा हुआ है, ताकि ये इतने बड़े बड़े घोटाले, इतनी मनी लॉन्ड्रिंग के केस और करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी सामने तो आई है, जिसमें 2016 में जो 424 इंडियन इसके बारे में सामने आए थे उनमें से 103 तो NRI है, और जो जो मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, उसमें 16 के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। और बाकी के खिलाफ भी जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट सुनवाई में अप्रैल में ये बोला गया कि एक स्पेशल SIT गठित की जाए, तो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिलाया कि जो हमारी MAG है, मल्टी एजेंसी ग्रुप है, वो अच्छा काम कर रहा है, और उनकी 6 रिपोर्टें अभी आ चुकी हैं। पहले सर्वोच्च न्यायालय उन 6 रिपोर्ट के ऊपर अपना विचार करे, क्या वह इफेक्टिव तरीके से काम किया गया है, उसके बाद हम SIT के ऊपर विचार करने के लिए तैयार हैं। तो जो सरकार ने, मैं दोनों सरकारों को, पिछली जो 2013 में हमारा जिसको ऑफशोर लीकेज कहा, 612 इंडियन के नाम आए जिसमें विजय माल्या जी का भी नाम था, उससे लेके बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर पैनामा लीक 1 आया, पैनामा लीक अभी 2 आया है आपके सामने, इसमें करोड़ों रुपए का जो जो डिस्क्लोजर हुआ है। फिर नोटबंदी से पहले इस सरकार ने भी अपने पैसे डिस्क्लोजर कराने के लिए ब्लैक मनी के ऊपर सिविल पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया था, उसमें भी करोड़ों रुपया सामने आया है। लेकिन उस तरह के कदम जो अभी लेने चाहिए, जो कि सरकार ने पहले भी बोला था कि हम ब्लैक मनी को लेके आएंगे, उसमें अभी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। काम हो रहा है और ज्यादा काम होने की जरूरत है।
देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आर के जैन नामक फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने से कौन रोकता है? व्हाई अ स्ट्रॉन्ग लॉ इज नॉट बीइंग एनेक्टेड? एक इतना स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया जाए कि ये तो कांग्रेस सपोर्ट करे ना राज्यसभा? नहीं नहीं, ये एक महीने के अंदर मैं कहता हूँ कोई इसको अपोज नहीं करेगा। अगर सरकार एक लॉ लेके आए कि एक महीने के अंदर मैं समझता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टी उसको कोई अपोज नहीं कर पाएगा, सबको आगे आना चाहिए, सब सपोर्ट करेंगे उसको। नया लॉ क्यों नहीं बनाया अब तक? जिन लोगों के नाम आए थे वो मोदी जी के ट्रेवल कंपेनियन है, वो मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए, पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आर के जैन नाम के फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट हुआ था कि भारत का थोड़ा बहुत नहीं 5 लाख करोड़ से ऊपर का काला धन है और जिसमें से बहुत बड़ा भाग जो है विदेश के अंदर पड़ा हुआ है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमें पता है इस चीज़ का, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास में जानकारी नहीं है कि आपका जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका 90% तो केवल मॉरिशस जैसी जगह से आता है। इतना छोटा सा देश पूरे भारत के ऊपर गवर्न कर रहा है डायरेक्ट, हमें पता नहीं है कि ये ब्लैक मनी इंडिया से बाहर जाता है, भारत से बाहर से रूट होकर के इंडिया आता है, इसलिए तो इसे टैक्स हेवन कहते हैं। अब टैक्स हेवन के अंदर पड़े हुए धन के बारे में ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार नहीं जानती है, बड़े लंबे समय से जानती है। लेकिन क्या भारत सरकार ने मॉरिशस के साथ में अपनी डीटीएटी डबल टैक्स अवॉइडेंस जो आपकी ट्रीटी रहती है उसको भी बदलने का प्रयास नहीं किया वर्तमान सरकार ने? मैंने बताया कि इन्होंने स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के साथ में एक ट्रीटी जरूर की कि हम जो है स्विट्जरलैंड जो कि कभी भी अपने बैंकर बैंक जो है अपने खाताधारकों का जो है नाम नहीं बताता, अब उन्होंने एक ट्रीटी की है कि 2020 के बाद में आप जो है नाम बताना प्रारंभ कर देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारत सरकार 2020 तक इस बात को क्यों लेकर के गई। 3 साल बीच में जो आपकी ट्रीटी से 17 से 20 के बीच में सरकार क्या चाहती है कि वो लोग अपना पैसा बाहर निकाल ले? मेरे लिए समस्या है कि आज भी आज पकड़ के लाओ। विदेशों में जो काला धन था वो बड़ा चुनावी मुद्दा था आप लोगों का लेकर आना, लेकिन जब ट्रीटी की गई है जो कि ढोल साहब की ओर से भी कहा गया उसको लेकर 2020 तक का समय निर्धारित किया गया। जी देखिए, मैंने आपको बताया ना जो करप्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग है उनका लिंक होता है। करप्शन से जो पैसा कमाया जाता है, ब्लैक मनी कमाई जाती है, उसको रूट करके बाहर ले जाया जाता था। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्टेड चीज़ है। करप्शन की वजह से ही जो हवाला के थ्रू जो बाहर बहुत पैसा गया, बैंक्स में इनके अकाउंट्स खुले हुए थे जो पुरानी सरकारों से जुड़े हुए जो तार हैं, तो उन सब का हिसाब किताब वहां पे था। और उसके बाद भारत सरकार ने, मैंने कहा दो बारी तो हमने जो है कॉम्प्लायंस स्कीम लाई ताकि जिसके पास जो पैसा है वो अपने आप डिस्क्लोज कर दे, वो एक तरीका था कि उनसे पैसा लेने का। दूसरा जो दूसरी सरकारें थी और कुछ इंटरनेशनल समझौते होते हैं जिसमें हमें दूसरे कंट्री की भी बात माननी होती है अपनी बात, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, ऐसा नहीं है। तो उसके थ्रू जिस भी जितनी जल्दी हमारा कॉम्प्लायंस होता है, ट्रीटी साइंड होती है, वो दिया जाता है। तो इसलिए जो ट्रीटी साइन होती हैं उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ रीजन होते हैं काले धन पर एक्शन लेने के लिए, विदेशों से काला धन वापस लाने के लिए 5 साल काफी नहीं है फिर सरकार के लिए? जी देखिए, अभी जैसे पराशर जी ने भी बताया कि ऑलरेडी कुछ लोगों ने डिस्क्लोज कर लिया, कुछ के ऊपर जो है लीगल एक्शन भी चल रहा है और जल्दी उनके सारे रिपोर्ट्स भी निकल गए। चिंता लग रही है आपके सारे के सारे मिनिस्टर्स मिल जाएंगे, ज्योति जी सारे चेहरे सामने आ जाएंगे। क्या नाम थे? नीलम जी ने बताया कि करप्शन और करप्शन से रिलेटेड है ये पैसा जो बाहर शेल कंपनीज के थ्रू रूट करके उसको करा जाता है। तो मैं आप लोग दोनों पार्टियां यहाँ बैठी हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप दोनों करप्शन पे जो जनलोकपाल लोकायुक्त है उसको क्यों नहीं लागू करते थे, करप्शन खत्म हो जाए। पर दूसरा जो अभी बताया है हमारे जस्टिस प्रीतमपाल जी ने कि भाई तुरंत एकदम से एक कानून लेके आओ, मनी लॉन्ड्रिंग बिल भी आपका लोकसभा में पड़ा है, एक विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते हो कल या परसों में? बुलाइए दोनों मिलकर के राजीव मंदिर यहां पे बोलिए, हम बुलाएंगे। चलिए चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। तो पनामा पेपर लीक को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। नीलम जी, जो पिछले नाम सामने आए थे, अभी विपक्ष की शिकायत यही है कि बहुत ठोस कोई कार्रवाई नहीं की जो कि नजर आए या फिर आगे के लिए संदेश बने कोई। देखिए, मैंने आपको पहले कहा ना, जैसे अभी जज साहब भी कह रहे थे कि वन टाइम पॉलिसी लाई जाए, तो हम ऑलरेडी एक 2015 में भी ले आए थे जिसमें कि करीबन 3,770 करोड़ जो है मिले भी थे। और उसके बाद जो अगर आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन के टाइम भी हमने ये अलाउ किया था कि जिसके पास जितना पैसा है
और 50% में उस पर सिविल पेनल्टी लगा के कि उसको आप उसको डिपॉजिट करा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे कि पैसा की कनेक्शन में आ जाए, हमारे बैंकिंग सिस्टम में आ जाए, हम विदेशों में काली धन की बात करते हैं, जहां तक ट्रीटीज का सवाल है वो हमारे बाकी देशों के साथ वो चलती रहती है। जहाँ पे जिस भी तरह के पनामा पेपर लीक मामले में पहले जो नाम सामने आए थे उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये आरोप है फिलहाल। उस वक्त भी इन्होंने डिक्लेयर किया और जैसा भी प्राशर जी ने भी कहा कि ऑलरेडी उनके केसेस जो रह गए थे उनके केसेस भी फाइल हुए हैं, उनकी इंक्वायरी भी चल रही है, जब रिपोर्ट भी है, तो आने के बारे में चिंता मत करो, हमारे लोग नहीं है। इंडिया बुल्स की जो ऑनर है समीर का नाम था, क्या एक्शन हुआ? या किसी का नाम था, क्या एक्शन हुआ? आप बताओ ना, आपके टाइम में कितने स्कैम किए थे, का नाम था, क्या एक्शन हुआ? गुड़िया का नाम था, उस पे क्या एक्शन हुआ? आपके आपकी सीना का नाम था, क्या एक्शन हुआ? बता दीजिए, कौन सीना का नाम था, क्या एक्शन हुआ? आप किसी के बारे में एक बार में जवाब दीजिए, क्या एक्शन हुआ? तो मैंने कहा इस बात का, ठीक है, तो आपको अगर ज्यादा एक एक पर्सन का चाहिए तो आप डिटेल ऑनलाइन निकाल के किसने कितना किया क्या बात है, क्या बात है, क्या जवाब है, आपको अपने नाम मिल जाएंगे। पहली बात, इनको ट्रॉफी में ट्रॉफी दीजिए इनको, ये बहुत अच्छा जवाब है, ऑनलाइन तो हम देख ही रहे हैं, आपसे जवाब नहीं चाहिए हमें। और दूसरा है जो लीगल प्रोसीजर होता है, जो सिविल पेनल्टी लगा के हम जिससे जितना निकाल सकते हैं उसकी भी ऑप्शन दी गई थी लोगों को, और जो लीगल पेनल्टी हम आपसे इनसे विदेश का पूछ रहे हैं, पनामा लीक 2016 के बाद पांच एजेंसियां मल्टी एजेंसियां। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि भाजपा कांग्रेस से बोल रही है तुम्हारे इन बंदों का तुमने क्या किया, और कांग्रेस भाजपा से पूछ रहा है आपके इन बंदे मंत्री से लेकर जो बैठे आपने, हमने तो एक्शन किया है ना, मैंने ये कहा ना, एक मिनट, हमने एक्शन किया है ना, हम क्या कह रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है, दोनों बहनें जो यहाँ बैठी हैं, भाई एक ये तो बताओ कि इसको खत्म करने के लिए ये तुरंत लागू करो, हम आपका साथ दे रहे हैं, ये बात करो यहाँ पे, ये बात नहीं कि तुमने ये किया मैंने ये किया, तुमने मैं तो अपने बता रही थी। हम कह रहे हैं कि जैसे जस्टिस प्रीतम पाल जी ने अभी बोला, एक सख्त कानून तुरंत लेके आओ, तो क्या आप एक विशेष सत्र तुरंत बुलाएंगे अपने नेताओं को बोल के कि चलो कल इकट्ठे बैठते देश इसके अंदर और इसके लिए कानून बनाया जाए, और क्यों ना इस कानून को बना करके हम की बात नहीं करेंगे, मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं, करप्शन के मुद्दे को लेते हैं, कि ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, साफ नीयत की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, और वही चीज हमें समाज में चाहिए। कैसे होगी नीलम जी? जी तो वही तो मैं कह रही हूं ना, बार-बार आप क्वेश्चंस क्यों रेज करते हो, बाबुल के लिए तैयार है, जवाब भी देती है, दूसरों के जवाब भी सुनिए, रिक्वेस्ट है आपसे। जी चुनावी वादा तो आपको मैं बता दूं, मोदी जी ने बाकायदा जो है आपके पास में वीडियो अवेलेबल उपलब्ध हो जाएगी, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो बोला था वो मैं बता रहा हूं कि भारत से बाहर भारत का इतना धन पड़ा हुआ है, यदि उस धन को हम भारत लेकर के आए तो पूरे हर एक नागरिक के उसके अंदर जेब के अंदर 15 लाख रुपए चला जाएगा, ये नरेंद्र मोदी जी ने। अगर ये चाहें ज्योति जी, मैं नीलम जी को यही ऑन लाइव रिकॉर्ड में यहाँ पे पिछली बार भी झूठा साबित किया था, रिफर कर दूंगा, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको मैं ये वीडीआईएस की बात करते हैं, जो कि एक बारी बात समझिए, एक और बात समझिए, एंटी करप्शन की थी, एक और बात समझिए, और उस पे हमने पूरा कंट्रोल किया है। ये बार बार जो है मेरे प्रवक्ता जो है वीडीआईएस की बात करती है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम जिसे हम कहते हैं, माननीय कोर्ट जो है इसको आज तक जो है एक पाप मानती है, आप एक सिन कर रहे हो, आप उन काला धन जो लोग हैं जो चोर हैं उन लोगों को ये कह रहे हो, आप 40% के ऊपर उस चोर को जो है रेगुलराइज कर रहे हो, आप नहीं कर सकते, कमाल करते हो, वेयर इज द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, आप अपने बिजनेस को बचा के रखो ना, देखो कांग्रेस लेके आती थी भाजपा उसका विरोध करती थी, ये भी मैं आपको बता देता हूं, चिदम्बरम जी भी लेकर के आए थे वीडियो, ये लेकिन भाजपा उसे विरोध करती थी, इच्छा से इन्हें लोग खुद जो भी ये काम यहां पे करते हैं, ज्योति जी इच्छा से आगे आगे ऊपर चीजें आती हैं, वो आपको नजर नहीं आती, छोटा मोटा मामला का ऐसा बात आपको बकायदा बताया जाता था, सवाल तो कांग्रेस से भी है, आप लोग ज्यादा सरकार में रखे, कांग्रेस के वक्त में भी बहुत आसान होता था कि विदेशों में काला धन चला जाता था, कांग्रेस ने क्या किया और कब किया बताएं ज्योति जी? 2003 से पहले आरबीआई ने अलाउ ही नहीं किया हुआ था कि कोई भी भारतीय जो है बाहर कंपनियों में निवेश करे, और उसके बाद 2013 के अंदर स्कीम लागू की गई,
उस स्कीम के तहत आप 50-50 पार्टनरशिप में या आप कोलेबरेशन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते थे। अगर आज सबके नाम उजागर हो रहे हैं और आईसीआईजी ने इसका इनिशिएटिव लिया तो उसके बाद कोई पहल की कांग्रेस ने, मैं यही तो कह रही हूँ। तो अगर नाम अब उजागर हुए हैं तो चार साल से कौन सी माला जप रहे हैं मोदी जी? आज उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? उनके खिलाफ छापे क्यों नहीं मारे जा रहे? आज कमेटियां क्यों नहीं गठित की जा रही? आप उन्हीं को शील्ड कर रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। आज अब इलेक्शन किसी मंत्री के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नीलम जी को प्रॉब्लम है, मैम इनको चुप कराइए। इनको आप ट्रेन के लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं देते आप। बिल्कुल इनको ट्रेन के लिए क्या चाहिए? आप डिबेट को खराब कीजिए। जिन सवालों के जवाब हो चुके हैं आपसे विस्तार में जवाब लेंगे। प्रीतम पाल सिंह जी, आपको सरकारों की मजबूरियां क्या लगती हैं कि नाम भी सामने आ गए, खासतौर पर अभी बीजेपी ही सरकार में है, दूसरी बार नाम सामने आती है, कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती सरकार? प्रीतम पाल जी, देखिए मैडम, मैंने पहले भी कहा है कि गंभीरता नहीं है, सेंसिटिविटी इज नॉट देयर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट आई और छोड़िए, आप छोड़िए इस बात को, विदेशों का धन, काला धन की बात छोड़िए। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ आपको, एग्जांपल कि मैंने 2016 में, जनवरी 2016 में अपना ऑफिस डेमिट किया था। हाँ। और उस टाइम पर मैंने 10,618 करोड़ टैक्स इवेजन का एक रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी कि ये 10,618 करोड़ इस छोटी सी स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसके लिंक दूसरी स्टेटों में भी थे, कि अगर उसको भी लिंक करके उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ये 50,000 करोड़ से ऊपर जा सकता है। उस टैक्स इवेजन की एक इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट मैंने दी, 1,000 पेज से ऊपर होगी, कि जिसमें बिल्डर्स, प्रमोटर्स, एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट के बिग गन्स, बड़े ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, और सारी एक इतनी एक रेडीमेड रिपोर्ट मैंने पेश की सरकार को गवर्नर के थ्रू। लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर ही कोई एक्शन हुआ है। विदेशियों को छोड़ी आइए, अपने देश में बैठे ही ब्लैक मार्केट और क्रिप्ट लोग, नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट देम सो फार, 4 इयर्स हैव इलैप्स्ड। इस बात का जवाब एग्जांपल सरकार गंभीर नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है किसी भी तरह की जांच करवाने की। अभी आपने सुना प्रीतम पाल जी को। जी देखिए, जहां तक एंटी करप्शन का सवाल है, हमारी सरकार ने करप्शन पे ज्यादा से ज्यादा पूरे से पूरा पूरी ईमानदारी के साथ उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की, और हम काफी हद तक उसमें सफल भी हुए। 10 लाख नए न्यू एंट्रेंट जिन्होंने अपने इनकम टैक्स के लिए डिस्क्लोजर किया वो आए हैं। हमारे जो बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा था, जो लोगों की घरों में, अलमारी में, गाड़ियों में, बेड के अंदर दबा करोड़ों करोड़ों रुपया, वो आया है। कितना भारत में सबसे ज्यादा जो पैसा डिमोनेटाइजेशन में कन्वर्ट हुआ, अमित शाह डायरेक्टर ऑफ बैंक। अपने बारे में चुप रहा करें जी। और जो हमारा डिमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस लाया गया था, उसमें एक ऐसा वर्ग जरूर था जिसको ये बहुत पिंच हुआ था। ज्यादातर जो हमारे जो भारत के लोग थे, उनके उन्हें खुशी हुई थी कि डिमोनेटाइजेशन आया, क्योंकि लोगों के पास सिर्फ बाहर ही नहीं, इंडिया में भी, मैंने बताया, लोगों के घरों में से, गाड़ियों के सीट्स के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपए गाड़ी भर भर के लोग लाए थे। वो पैसा कहाँ से आया था? तो वो सारा का सारा पैसा उस वक्त भी एक ऑप्शन दी गई थी 50% में से, वो गाड़ी कमाई थी लोगों ने छुपा की, जो जानकारी दे देती। फिर अगर वो विदेशों से पैसा वापस आया था तो उसकी जानकारी, तो मैंने आपको बताया दो बार गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना चुकी है, उसमें लोगों डिक्लेयर कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं डिक्लेयर किया, जिसमें गड़बड़ियां थी, उनके केसेस चल रहे हैं। इससे हमारी जो सरकार है, जितनी ट्रांसपेरेंट, जो दिखने की जरूरत ही नहीं है, जांच काफी है। ज्योति, फिर सरकार की झटका का सवाल है ये, क्या इस तरह की जांच या फिर कार्रवाई जो की जा रही है, क्या ये काफी है? जस्ट ये सवाल जो है ना, जो आपको बता रही हूँ, उस वक्त भी ये गलत तरीके से उठाया गया था। मैं कह रही हूँ, जब पनामा लीक में बहुत इंटरनेशनल लेवल्स के नाम आए थे, तो उसमें इंडिया के भी कुछ नाम आए थे 2015। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम था नवाज, जो एट प्रेजेंट वो वहां से हटाए भी जा चुके हैं, उन पर बैन भी लगा हुआ। उस वक्त इंडिया ने सबसे पहले SIT बिठा दी थी, और वहां पे पाकिस्तान के एग्जांपल बता रहे हो ना कि वो हमसे अच्छे थे, पाकिस्तान के न्यूज में अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ये बार बार ये बात कही जाती थी कि इंडिया इतना एक्शन ले रहा है उनके अगेंस्ट, एक नाम भी पढ़ के नहीं आया।
लेकिन उसके बाद आगे क्या कुछ हुआ? पाकिस्तान हमारे से बेटर नहीं है, पर पाकिस्तान में हुआ क्या है, वहाँ पे वहाँ की जो आर्मी है ना वो एक तरीके से एक ऐसा तगड़ा काम कर रही है। देखिए वहाँ की आर्मी है तो उसने प्राइम मिनिस्टर तक को घसीट दिया। हमारे देश के अंदर क्या है, हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसी सरकार नहीं है जो राजनेताओं का हमारे दुर्भाग्य है जो पाकिस्तान देश का बार बार देश को जनवादी लोकायुक्त रहे हैं। अगर इनके पास सख्त कानून होता, इनके पास सख्त कानून होता, हमारे केजरीवाल नहीं मरा, आप अपने वोट वापस ले, हमारे केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल को जनरल अन्ना जी ने कह दिया कि वो कीचड़ है, हमारे नहीं है वो, ये सब कीचड़ है पक्षपाती, इस तरीके से काम कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं आपसे। मैडम देखिए मैं धीरे धीरे क्या आप सोच के आती हैं कि दूसरों को सुनेंगी नहीं? सुनिए मैडम, मैं कहना चाहूंगा आप इनेलो को नहीं सुने, सुनिए एक बार के लिए सर, आप भी सुनिए, आप इनेलो को नहीं सुनेंगी समझ में आएगा, आप कांग्रेस को भी नहीं सुनेंगी वो भी समझ में आएगा। नैन साहब बोल रहे हैं आप साथ शुरुआत क्या ये तरीका है, क्या ये तरीका है चर्चा का? सिर्फ एक मिनट, क्या ये तरीका है चर्चा का? दर्शक सुन नहीं पाते, चर्चा का फायदा क्या है बता दीजिए। आप सुनेंगी नहीं, आप सिर्फ सुनेंगे। यहाँ पे लोकायुक्त, पूर्व लोकायुक्त प्रीतम पाल जी लाइन पर है, आप इनसे पूछिएगा अगर इनके पास सख्त जन लोकपाल कानून होता तो क्या अब तक उस पर एक्शन हो जाता या नहीं होता, पूछिए। चलिए पूछिए प्रीतम पाल जी। हाँ यस जी, क्या लोकपाल का yes. जी बताइए, जो अन्ना हजारे की ओर से लगातार इस चीज को लेकर संघर्ष किया गया, जिस मांग को लेकर क्या करने के लिए उसके पीछे कानून की शक्ति होनी चाहिए। आप पूछिए इनसे कि क्या, प्रीतम पाल जी से पूछिए, इतने माननीय, इतने हमारे जस्टिस रहे हाई कोर्ट के, उसको लागू करने के लिए पॉलिटिकल विल, तो क्या इनके पास पॉलिटिकल विल? पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी, पॉलिटिकल विल, वो कानून भी ऐसे ही रहेगा, उस पर कानून भी तभी लागू होगा अगर उसको इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल उसके होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल विल है, मैं ये समझता हूँ कि अभी वक्त है, टाइम है, नहीं हुई। प्रीतम पाल जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ये दुरुस्त है कि इमीडिएटली प्रीतम पाल जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा और मिनिमम उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस होनी चाहिए कानून के अंदर, जो लोग स्वेच्छा से अपना धन। प्रीतम पाल जी, प्रीतम पाल जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, एक सवाल करना चाहूंगा मैं ज्योति मैडम, प्रीतम पाल जी, प्रीतम पाल सर, प्रीतम पाल सर, मैं बार बार यही कहता हूं उस कानून बनाने में, प्रीतम पाल सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कानून बनाने के लिए मेरे को नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको अपोज करेगी, उसको सपोर्ट नहीं करेगी, ऐसा कानून बनाइए जिसके अंदर। सर एक सवाल सुनिए, बस एक सवाल सुनिए सर, उनको एक सवाल सुनिए, क्रिमिनल लायबिलिटी भी हो और सिविल लायबिलिटी भी हो सर। प्रीतम पाल सर एक सवाल सुनिए, होनी चाहिए कि एक टेरर क्रिएट हो जाए ब्लैक मार्केट। प्रीतम पाल सर एक सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए, समझता हूँ कि आज सर एक सवाल सुनिए, सर एक सवाल सुनिए सर, अगर आपके पास में लोकायुक्त होते हुए सख्त लोकपाल का कानून आपके हाथ में होता, तो क्या जो 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 आपने केस पकड़े थे चोरी करते हुए करके, आज वो सलाखों के पीछे होते कि नहीं होते? उनकी पांच रिपोर्ट रद्दी में फेंकी गई, जस्टिस ऑल वुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स बाय नाउ, सारे जेलों के पीछे होते अगर उसके ऊपर मेरे को पावर होती कि मैं उनको प्रोसिक्यूशन एजेंसी जैसे, एक महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के अंदर एक्ट कुछ स्ट्रॉन्ग है, पूरा नहीं लेकिन कुछ है, लेकिन अगर यहाँ हरियाणा में मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक लॉ बन जाता जिसके लिए मैं बार बार मैंने आवाज उठाई, तो ये सारे जो ऑफेंडर हैं, जो ऑफिसर हैं, वो सारे मैसेज आता स्टेट में कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन आज
प्रीतमपाल जी आ रहे हैं अभी आपके पास। देखिए जस्टिस प्रीतमपाल जी ने 5 रिपोर्ट सौंपी सरकार को, कांग्रेस के समय पे भी, भाजपा के समय पर भी। 5 रिपोर्ट्स में उन्होंने बार बार रिकमेंड किया सख्त लोकपाल के कानून बनाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पांचों की पांचों को रद्दी में फेंकने वाली सरकारें यहाँ पर रही है। ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात है कि जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के कहती है कि हम लोकपाल केवल इसलिए लागू नहीं कर सकते कि नेता विपक्ष नहीं है लोकसभा के अंदर, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे देश के अंदर नहीं हो सकती। सीबीआई और डिमोनेटाइजेशन में ये कह रही है मैडम कि हमने जमीन में से भी हमने पैसा निकाल दिया, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आरटीआई के माध्यम से पता लगा है एसीबीडी एक बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक गुजरात का, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो है काला धन वहां पर जाकर के पॉलिटिकल बिल वो कन्वर्ट हुआ है, हो गया पूरे भारत के अंदर, वो अमित शाह उसके डायरेक्ट है। अभी तक अभी जो भी कानून है अभी हम मना करेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की आएंगे, नीलम जी से इस बात का जवाब लेंगे जी। प्राशन जी, मैं पहले की तरह बताना चाहूंगा यहाँ दो एस्पेक्ट है, फिर से कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो एस्पेक्ट वो है जो पिछले 70 सालों में हमारा धन बाहर जाके एक्युमुलेट हो गया है, हाँ। जो ब्लैक मनी को लाने की बात हो रही है। दूसरी चीजें हैं कि अभी ये आगे जनरेट ना हो, ब्लैक मनी आगे जनरेट ना हो, करप्शन आगे ना हो, उसके लिए हमारे डोमेस्टिक लॉ हैं, इंडियन लॉ हैं, उसके लिए सिर्फ 2 लॉ अभी तक हमारे पास हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उनके सिवा उनके अंदर जो प्रोविजन बनाए गए हैं उनके अंदर और शक्ति लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां तक बात है ब्लैक मनी की, ब्लैक मनी के लिए कोई इंडियन कानून बनाने के साथ साथ हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अपनी ट्रीटी को मजबूत करना पड़ेगा, और उसको पैसा किसी भी माध्यम से बाहर ना जाए उसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। दूसरा जो अभी कुछ स्टेप लिए गए उनमें से मैं उनको अप्राइज करना चाहता हूं। पहला डीमोनेटाइजेशन का एक बहुत अच्छा फैसला था जिसके कारण बहुत हमारा जो आगे करप्शन है ब्लैक मनी है रोकने में मदद मिली है। दूसरा एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कैश पे होती थी उनमें 2 लाख तक की सीमा लगाई गई है, उससे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ब्लैक मनी जनरेट नहीं हो पा रही है। तीसरा जिसके कारण रियल स्टेट में भी बहुत भारी गिरावट आई है, वो एक गरीब तबका जो अपना मकान नहीं खरीद पा रहा था उनके फायदे की बात हुई है। तीसरा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ट्रेंड बढ़ा है उससे भी करप्शन पे लगा। जो आपको लगती है, आपको क्या अभी तक लगा सरकार की नियत है कि जांच करवाई जाए? सरकार की नियत के हिसाब से अगर मैं कहना चाहूं तो जैसे ही 2016 में पेपर लीक हुआ था उन्होंने मल्टी एजेंसी का ग्रुप बना के जिसके अंदर सीबीडीटी ईडी एंड FIU देन RBI सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे सर्वोच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन पे सरकार का रोल नहीं था उसमें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था सर, ये भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैंने पहले भी बताइए कि सरकार ने अपने हाथ से कुछ नहीं किया, कोर्ट के कहने पर किया। देखो ये बात कही, देखिए गलत रिप्रेजेंट मत कीजिए, उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, उन्होंने 6 रिपोर्ट ली है और उसके ऊपर काम चल रहा है। राम जेठमलानी जी का केस था, जिम्मेदार कौन है इसके पीछे, जिम्मेदार कौन है? देखिए ज्योति, जिस कंपनी के बारे में बात होती है, पनामा के बारे में बात होती है, यही कंपनी 1977 में एग्जिस्टेंस में आई थी और तब से 2,14,000 जो डिफरेंट कंपनीज हैं वहां पर रजिस्टर हुई हैं। तो केवल भारत नहीं, बहुत से देशों का लोगों का वहां पर धन जमा हो रहा था। जब हमारे यहाँ की जो एक टीम है जो हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि ये सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है हमारी उसी साफ नियत की तरफ दिखाता है, हर तरह की ट्रांजैक्शन सभी का चर्चा में बने रहने के लिए। तो पनामा पेपर लीक का पार्ट 2 भी शुरू हो चुका है, एक बार फिर से नाम सामने आए थे, लेकिन पिछले जो नाम सामने आए थे उन पर कितना एक्शन लिया गया और सरकार की नीयत कितनी है कि इस तरह के नाम फिर से सामने ना आए, और जो चुनावी वादे किए गए थे उनका क्या हुआ, इस पर चर्चा करेंगे।